छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के मतदान को लेकर तैयारियां पूरी हो गई है। 7 मई को 7 सीटों के लिए मतदान होना है। इसके लिए सभी मतदान दलों को रवाना किया जा रहा है। वहीं सुरक्षा बलों की 202 कंपनियों को तैनात करने की तैयारी की जा रही है। छत्तीसगढ़ में 7 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए जिले के 7 विधानसभा क्षेत्र में कुल 1907 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। इनमें 38 सहायक मतदान केंद्र शामिल है। 7 लोकसभा सीटों में 1,39,00,000 से अधिक मतदाता मतदान करेंगे। 3,98,000 युवा मतदाता पहली बार वोट डालने वाले हैं। साथ ही रायपुर और बिलासपुर लोकसभा में 3 बैलेट यूनिट का उपयोग किया जाएगा। शहर में कुल 1,144 मतदान और ग्रामीण क्षेत्र में 763 मतदान केंद्र बनाए जा रहे हैं। मतदान दल रवाना होने से पहले मतदान कर्मचारियों ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि ये लोकतंत्र का महापर्व है, हम सबको वोट करना चाहिए। लोकतंत्र के महापर्व में फर्ज निभाना है, 7 मई को मिलजुल कर मतदान कराना है, मतदान कराना है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।